हाय हाय ये मजबूरी। ये गाना उन नेताओं के ऊपर फिट जरूर बैठता है जिन्होंने आज तक अपने घर में चाय पीने के बाद कभी ना उठाया होगा, जिसमें खुद उन्होंने चाय पी। ये तस्वीरें चुनाव के दौरान ही देखने को मिलती है और मजा बड़ा आता है, क्योंकि ये नेता कभी किसी के पैरों में गिर जाते हैं, कभी किसी के आगे हाथ जोड़ते नजर आते हैं, तो कभी किसी को चाय पिलाते हैं, तो कभी ये पल्लेदारी करने लग जाते हैं। तस्वीरें आपको एक एक कर दिखाएंगे, लेकिन अपील रहेगी इस वीडियो को आप साथ के साथ शेयर जरूर करते रहें। पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं हरियाणा नहीं बल्कि पूरे देश में सबसे बड़े उद्योगपति और अरबपति नवीन जिंदल की, जो कुरुक्षेत्र से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान अनाज मंडी में पहुंच जाते हैं और खुद पल्लेदारी कर अनाज से भरी बोरी अपने कंधे पर रखकर सामने खड़ी टोली में रखने के लिए चढ़ जाते हैं। एक बार देखिए पूरी वीडियो। अरे हाय हाय ये मजबूरी, अरे हाय हाय ये मजबूरी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लाला जी कौन है जो कुछ चाय की दुकान पर चाय भी बना रहे हैं और डालकर पिला भी रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये वही शख्स हैं जो इसी लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार और आप पार्टी के बड़े नेता सुशील गुप्ता हैं। अरबोपति साम्मी हैं गुप्ता जी, लेकिन भरी गर्मी में ये चुनाव भी गुप्ता जी यानी कि लाला जी से क्या क्या करवा रहा है। गुप्ता जी ने चाय भी बनाई और अपने साथ चल रहे साथियों को अपने प्यारे प्यारे हाथों से चाय भी पिलाई। और ये तस्वीर भी देख लीजिए, सब्जी मंडी में टमाटरों के भाव पूछ रहे हैं और सब्जी बेचने वालों का हाल चाल भी पूछ रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि इतनी महंगी सब्जी हो गई। अरे हाय हाय ये मजबूरी। चुनाव में उफ ये क्या क्या करना पड़ता है। अब ये दो तस्वीरें देख लीजिए, एक अभय चौटाला की है जो इसी लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी रोहतक लोकसभा से चुनाव लड़ रहे डॉक्टर अनविन शर्मा की है। प्रचार के दौरान चौटाला साहब गुरुद्वारे में माथा टेक वाहे गुरु जी से अरदास कर रहे हैं कि मुझे भारी वोटों से जिताना। उधर डॉक्टर साहब भी दीपेंद्र हुड्डा को हराने की बात कर मंदिर में पहुंचकर महिलाओं के सामने हाथ जोड़ रहे हैं। हाथों में थाली है और सामने पुजारी जी खड़े हैं। ये तस्वीर सिरसा लोकसभा क्षेत्र की सामने आई है। सुबह सुबह का वक्त चाय की दुकान पर भाजपा उम्मीदवार अशोक तंवर हाथ भी जोड़ रहे हैं, वोट भी पक्का कर रहे हैं और चाय पर चर्चा भी कर रहे हैं। अरे हाय हाय ये मजबूरी। तो इन दिनों ये तस्वीरें आपको नजर आने वाली है, क्योंकि जब तक वोट नहीं डल जाते इसी तरह से नेताओं का यही हाल होने वाला है। किसी के आगे हाथ जोड़ेंगे और यहाँ तक कि आपके पैरों में भी आ जाएंगे। किसी को माता जी बनाएंगे तो किसी को पिताजी बनाएंगे, किसी को बेटा कहेंगे, किसी को बड़ी बहन कहेंगे। यानी कि कुल मिलाकर समझिए कि चुनाव है, तभी तो ये इनका हाल है। नेताजी अचानक आपके पैरों में गिरते नजर आए या आपका हाथ सिर पर रखकर आपका आशीर्वाद मांगे, तो समझ लेना भैया कि आपका वोट अपने हक में डालने की बात कर रहे हैं। 5 साल में ऐसी तस्वीर सिर्फ एक बार देखने को मिलती है। वोटर भी सियाणा है, सभी नेताओं को अपना वोट डालने की हाँ जरूर भर रहा है, लेकिन दिमाग में क्या है वो ही जानता है। सो इसलिए आप भी मजे लो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करते रहें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अरे